माई चैनल मून स्टाइल। सो गाइज, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए, कोई भी मॉइस्चराइजर, देन यूज सम प्राइमर। फिर यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे कलर बार का कंसीलर यूज़ किया है। देन इसे टैप टैप लगाने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो बाद में आई लुक बहुत ही हार्ड लुक आएगा। सो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन मैंने यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ किया है कंसीलर। इसे दो मिनट के लिए छोड़ दे, अच्छे से क्लीन कर ले। सो आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे लायंस ब्यूटी यूएसए का आई शेडो पैलेट यूज किया है। एंड मैंने यहाँ पे बोल्ड ब्लू कलर यूज किया है। एंड इसे अपने क्रीज लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज इसे अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ये वी शेप में भी इसे अच्छे से लगा सकते हैं इस तरह से। और गाइज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आई शेडो करके ही लगाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आई शेडो होगा तो वो पूरा आईज पे आ जाएगा एंड एक हार्ड सा लुक आएगा। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे उससे थोड़ा सा बोल्ड कलर लेके एंड थोड़ा सा सिमरी कलर है उसे भी अपने क्रीज लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज लगा लेंगे। एंड उसके बाद एक ग्लिटर ग्रीन बोल्ड ग्रीन आई शेडो लिया है एंड इसे लेके अपने लैसेस के यहाँ पे लाइनर की तरह इसे ड्रॉ करना है। इसे भी लेने के बाद, ब्रश से लेने के बाद इसे आप टैप टैप कर ले इसे कि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रहेगा एंड आप जैसे चाहे उसी तरह से इसे एक शेप दे। देन आई यूज दिस लाइट ग्रीन कलर एंड इसे इनर कॉर्नर से आईलिड तक इसे अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट राइट करके लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट लेके। Then I use this yellow type का golden glitter है ये। तो मैंने यहाँ पे इसको भी सेम इनर कॉर्नर से आई लिड तक ही लगाना है। इसे आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश से ज़्यादा ये फिंगर के हेल्प से अच्छे से लगाया जा सकता है। सो अगर आप ब्रश से लगा रहे हैं तो बहुत ही टाइम लगेगा एंड क्योंकि ये एक ग्लिटर आई शेडो है। सो आप चाहे तो यहाँ पे फिंगर के हेल्प से लगा सकते हैं एंड बहुत ही जल्दी से हो जाएगा एंड इसे भी टैप टैप करके लगा लेना है। देन आई यूज दिस ग्रीन बोल्ड ग्रीन कलर
इसे भी इसे अपनी क्रीज लाइन पे लगाना है एंड जितने भी आई शेडो हमने अप्लाई किया है अपने आईज पे ये सारे कलर को अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा जिससे कि कोई एक हार्ड सा लुक नहीं आएगा। सो आई मेकअप हो चुका है एंड आप चाहे तो जो भी फॉलेस हुआ है उसे क्लीन कर ले। देन आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्वीट ब्यूटी का आईब्रो पैलेट यूज़ किया है एंड इसे इसमें ब्लैक कलर लेके इसे अच्छे से आईब्रो को फिल कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन कलर भी अच्छा लगता है, अच्छे से लुक आता है। सो देन आई यूज दिस मेबिलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। सो इसे अपने पूरा फेस पे टैप टैप करके लगा लेना है देन स्पंजर के हेल्प से या फिर ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। Then I use this Mars Control 3D Balm। मैंने यहाँ पे लाइट कलर यूज़ किया है अपने। अगर आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दिस लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं एंड इसे लगाने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। देन सेम कंट्रोल 3D बाम मार्स का लेके इसे इसमें जो ब्राउन कलर है इससे इसको अपने फेस को कंट्रोल कर लेंगे देन इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
देन कोई भी लूज पाउडर लेके इस इसको अच्छे से सेट कर लेना है, जिससे कि कोई हार्ड लुक ना आए। देन आई यूज दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर काजल है ये, सो मैंने यहाँ पे वाटर लाइन पे दिस ग्रीन काजल यूज किया है। देन सेम आई शैडो पैलेट से हमने जो क्रीज लाइन पे जो जो बोल्ड ग्रीन कलर यूज़ किया था आई शैडो का, सेम वही कलर लेके अपने वाटर लाइन के नीचे लगा लेंगे। देन कोई भी मस्कारा लगा लीजिए, मैंने यहाँ पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का मस्कारा यूज़ किया है। सो मस्कारा लगाने के बाद अगर आप कोई भी फॉल्स लैसेस यूज़ नहीं कर रहे देन मस्कारा का आप 2-3 कोटेड लगा लें, और अगर फॉल्स लैसेस यूज़ कर रहे तो एक बार लगाने से ही हो जाएगा। देन आई यूज़ दिस इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर, ये सिल्वर फॉर्म में है, सो अपने फेस को हाईलाइट कर। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे आई लुक बहुत ही बोल्ड है तो मैंने यहाँ पे एक म्यूट लिपस्टिक यूज़ किया है। सो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले लिप लाइनर को मैंने यहाँ पे म्यूट कलर लिया है, तो सेम वही कलर का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। देन लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक, तो मैंने यहाँ पे मिस यू का वाटर मैट लिपस्टिक यूज़ की हूँ। देन सेम हाइलाइटर लेके इन कलर का हाइलाइटर लेके अपने इनर कॉर्नर को एंड ब्रा बोन को हाईलाइट कर लूँगी। Then I'm wear some false lashes. So अगर आप चाहें तो यहाँ पर false lashes का use कर सकते हैं। This bold eye look के साथ false lashes बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दिस लुक वॉज कम्प्लीट। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।